तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शेरी गेमिंग। तो यहाँ पे हम लोग उड़ रहे हैं और जाने वाले हम लोग पिकाडो। पिकाडो में आते हैं बहुत सारे स्क्वाड्स, बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो हम लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पीछे कुछ टीम्स आ रही हैं। यहाँ पे कोई भी टीम नहीं उतरती है, बट थोड़ा सा आगे उतरती है क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई का डर कितना है। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है AKM और M16A4। तो यहाँ से सामने आता हुआ दिखता है एक बॉट, इसे हम नॉक कर देते हैं और सिंगल टैप में ख़त्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें गोलियों की बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग भी मीरामार खेलते हैं उन्हें पता होगा कि मीरामार में बुलेट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बुलेट्स को वेस्ट नॉक करते हुए हम बॉट को सिंगल टैप पर मारते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे टीममेट्स जो होते हैं वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एनिमीज है। तो वो मुझे कॉल देते हैं कि आ जाओ, तो मैं आता हूँ। और आने के बाद जानते हो ना, लालच बुरी बलाए, पहले हमको दिखता है 4x, तो हम सोचते हैं पहले 4x लेंगे, फिर हम जाते हैं ऊपर देखने के लिए कहाँ है। तो यहाँ पे ऊपर बंदा जो होता है, ये देखो ऊपर बंदा होता है और यहाँ पे हम पे यूजी से फायर करते हैं। तो हम घुस जाते हैं भैया अपना AKM लेके हम उनको फोड़ देते हैं बुरी तरीके से, उनके चुनचुने जो होते हैं ना उनको मिटा देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लूट आते इस कारण। लेकिन ये देखो लालच बुरी बला है, ये हमारा टीममेट जो होता है ना अपने लालच की भूख के चक्कर में हमारे गोले उठा ले जाता है और यहाँ पे लूट होता है। तो यहाँ पे हमारा टीममेट कैरी जो होता है वो एक को नॉक कर देता है। तो मैं उसे फिनिश करता हूँ उस बंदे को। यहाँ पे फिनिश करने के बाद तो हम लोग का प्लान बनता है कि हम सामने जाकर रश करेंगे। तो मैं ड्रिंक पहले पीता हूँ, पीने के बाद जो है यहाँ से दवा पीने के बाद फिर हम जाते हैं रश करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो मेरे टीममेट उन्हें मार देते हैं। तो सामने से जो है सामने से एक फायर आता है हमारे पास, तो मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ फायर में कुछ नहीं दिखता लेकिन ये बॉट दिखता है, तो मैं बॉट को भी टपका देता हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं। तो ये देखिए साहब जो है सामने बैठे हुए, इनके चुनचुने अलग ही लेवल के हैं, इनको दिख ही नहीं रहे कि हम कहाँ आ रहे हैं। तो भाई साहब जो है जैसे ही गोली पड़ती है तो भाई साहब तुरंत जो है फ्लैश बन के, फ्लैश तो जानते ही होगे ना, फ्लैश कौन था सुपर हीरो, वो बन के भाग जाते हैं ये। और ये देखना कैसे छुपते हैं आके। तो हम लोगों में यहाँ पे रेस लगती है कि कौन लेगा इसका किल। तो अब इसका किल लेने के लिए हम लोग जाते हैं। तो दो लोग इधर से, दो इधर से, बाकी मैं अकेला, मतलब समझ ही सकती हूँ। तो हम यहाँ से जाते हैं तो इधर वाले घर में चेक करने के लिए, लेकिन हमें आवाज़ नहीं आती है। तो हम देखते हैं कि वो लोग इस घर में घुसे, तो हम भी इस घर में घुस जाते हैं। और यहाँ पे हमें आ जाती है एनिमी की आवाज़। ये देखो भाई साहब अपनी इज्जत की सुरक्षा करने के लिए कैसे खड़े हुए थे, जैसे कि इनकी इज्जत लूट लेंगे। नहीं नहीं, हम लोग गेम थोड़ी खेल रहे हैं भाई, हम लोग जो हैं हम लोग तो एक बाबा है ना, वो वाला, वो हाँ राम रहीम, हम तो वो बने हुए हैं, आसाराम भी बने हुए हैं, हम तो इज्जत लूट लेंगे आके, कैसे कैसे लोग हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद सेंट मार्टिन, यहाँ पर देखने के लिए लोग हैं नहीं, लेकिन हम लोगों को लाशें मिल जाती हैं। और हम लोग जो है ना लाशों के बहुत बड़े लुटेरे हैं भाई, बहुत बड़े लुटेरे हैं। तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है हमको। तो हम लोग को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो सामने से प्लेन जाता दिखता है जो फेंकता है ड्रॉप। तो हम लोग का प्लान बनता है कि ये ड्रॉप जो है एल्पोजो में गिर रहा है, तो हम जाएंगे एल्पोजो। तो अब यहाँ से हम गाड़ी लेके जाते हैं और ये हमारे बंदर यहाँ पे हमारा ड्रॉप जो होता है रोनी सर बहुत जल्दी लूट लेते हैं क्योंकि भाई भूख है भूख। तो यहाँ पे भी कोई नहीं आता है ड्रॉप पे। तो पीछे से जो होता है फ्लेयर गन, फ्लेयर ड्रॉप गिर रही होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे। अभी देखना भाई, ये हमारे गेम में हर गेम में गाड़ी के नशे होते हैं। ये देखो यहाँ पे पलटी खा रही है साली, बंदर की प्रजाति से हो रही है। तो यहाँ पे सामने छत पे जो है फ्लेयर गिरा होता है ड्रॉप जो है। तो हम लोग आगे जाते हैं, मैं थोड़ा सा कवर लेके भाग रहा होता हूँ, कवर तो नहीं होता लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होकर भाग रहा होता ताकि कवर में जा सकूँ, पर वहाँ से कोई भी फायर नहीं आता है। तो शायद लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत डरे से हमें है। तो थोड़ी देर वेट करने का, जब कोई फायर नहीं करता तो मैं प्लान बनाता हूँ कि मैं आगे निकलूँगा। तो आगे निकलता हूँ और यहाँ पे कोई फायर आता है। अभी सामने देखते हैं खिड़की में, ओ भाई साहब VIK ये तो गए। तो इसके बाद अब एक उनका नॉक हो चुका है, तो मायरन कैरी कौन नॉक कर देता है। तो मायरन जो होते हैं हमारे सीधे घुस जाते हैं ऊपर। ऊपर घुसने के बाद वो संजय भाई को भी नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रा हनी वगैरह सब किल हो जाते हैं। तो हम आके आके ऊपर लूटने लगते हैं। अब यहाँ पे हम लूटेंगे तो हमको पता चलेगा एक जो कबूतर है वो छत पे उड़ रहा है, उनके भी अलग लेवल के चुनचुने। अब देखो भाई तुम्हारा भाई घुसेगा और ये देखो भाई कोई मतलब ही नहीं, लौंडे को पता नहीं कहाँ फायर कर रहा है, छत पे बंदा आ रहा है उनका स्वागत करने लेकिन भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे भाई को मिल जाती गाउट गन। गाउट गन जानते हो ना, MK।
तो यहाँ पे हमारा टीमर बताता है कि सामने भी घर में एक स्क्वाड और है, तो अब हम प्लान करते हैं उनके भी चुनचुने मिटाने के लिए। तो अब क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ा होता तो मैं बोलता हूँ कि रुको मैं अभी आ रहा हूँ, अभी जल्दी मत करना। तो हम लोग जाते हैं और ये देखो तुम्हारा भाई जाएगा रोड से और वो तुम्हारे भाई को धोएगा। ये देखो बड़ी गोली। अब ये भाई साहब अलग ही लेवल के नशे करते हैं लोग, पता नहीं समझ में नहीं आता कौन कौन से लेवल के नशे। तो यहाँ पे बाकी तीन खत्म हो जाते हैं लेकिन एक बंदा जो होता है वो भाग जाता है भाई धूम दबा के, ऐसा भागता कि हमको मिलता ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे। तो हम लोग देखते हैं उसके पास जोन आ रहा होता है तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब निकल के हम लोग जाएंगे पता नहीं कहाँ पे, अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं। अब देखो भाई कैंपर इनटू 100 द क्रिंज प्लेयर कैसे कैंप कर रहे होंगे भाई, अब देखो कैसा कैंप करेंगे ये प्लेयर। ऊपर तीन प्लेयर होते हैं जिनको हम नॉक करते हैं, ऐसा कैंपर भाई भाई पैदाइशी कैंपर है। जब ये पैदा हुए तो डॉक्टर ने जो है इन्हें घुट्टी और दवा नहीं, इनको कैंपिंग पिलाई थी, बहुत भयंकर वाली पिलाई थी इनको। तो अब यहाँ पे हम तीन दो नेट और एक मॉली करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, तो बहुत ऊपर होता है और हमारा नेट पहुँचता नहीं है। तो हम यहाँ पे बन जाते हैं जाके गाय टोंडे भाई। अब हम घुसेंगे और सबसे पहले एक को एमके से पेलेंगे, ये एमके से पहले उसका गोलियाँ बहुत बढ़िया बाहर निकल गई। भाई साहब जो है जैसे सर्कस में घूमने आए हैं ऐसे चल लेते हैं, हमारे सामने पड़ गई गोली, मर गए, निकल गया धुआं, भूल गए सब। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी जो होती है फूट गई होती है, तो अब हमको करना होती है पैदल यात्रा। अब पैदल यात्रा करने के लिए हम लोग निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे कूदता तुम्हारा भाई बंदर बन के कूदता जा रहा है देखने के लिए लौंडे, लेकिन कहीं नहीं दिखते हैं लौंडे, बचे हैं अभी पीछे। तो हम देखते हैं सामने दूर पे एक लौंडा अपनी मुंडी दिखा रहा है बहुत सामने, तो हम उस पर स्कोप करते हैं और चुपचाप भाग लेते हैं क्योंकि ओपन एरिया होता है, अगर हम वहाँ से मारते तो वो भैया हमको खा जाते। ये देखो लौंडे दिख गए, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और उनका जाके क्लोजिंग करेंगे। और यहाँ पे निकलते निकलते हमारे एक मायरन सर के जो होता है ना खोपड़ा टूट जाता है, उनका टकला फूट जाता है, इतनी ज़ोर से उनकी गोली पड़ती है कि मतलब ये देख लो उनके ऐसे मतलब असुर हस्तल ने उनको मारा है कि उनका बिस्तर ही ख़त्म हो गया। अब सीधे लंबा लेटे हुए हैं वो, मतलब लंबा लेटे नहीं मतलब लंबा बैठे हुए हैं वो, हाथ तो लगेगा नहीं, सीधे किल हो जाएंगे वो, तो कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारा भाई जाने की यहाँ से चढ़ने की कोशिश करे लेकिन फिसल जाएगा, मतलब कोई भाई नगर पालिका को बुलाओ यहाँ पे चिकना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा फिसल रहे हम, मतलब दिमाग की बत्ती को लोगे ऐसे कौन फिसलता है भाई। ये देखो यहाँ से फिसल गए हम। अब ये देखो हमारे कैरी से नॉक होगा। अब ये देखना कितना बड़ा बेशरम प्लेयर है कैरी, इतना बड़ा बेशरम प्लेयर नहीं देखे होगे। अब देखो तुम्हारा भाई क्या करता है। अब हम पहुँचे ऊपर तो हमको पता चलता है यहीं ऊपर एक भाई साहब जो है दूर फायर कर रहे हैं। ये देखो भाई मिल गए, पता भी नहीं चला भाई तुम खत्म इनके पूरे। अब वो देखो सामने खड़े हुए हैं, ये देखो इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन कहाँ से मार रहा है, ये भी नॉक हो गए सिरशा। तो अब यहाँ पे बचे होंगे दो प्लेयर, ये देखो ये भी एम के से गए भाई हस्तर, और यहाँ पे पूरी टीम खत्म। अब वो देखो बेशरम अभी जिंदा है, हमारा टीम मेट जो है ना कैरी, और यहाँ से देखो 150 मीटर दूर है, अभी कितना बड़ा बेशरम अभी तक जिंदा है, आते में नौक हुए पूरे हम लोगों ने स्क्वाड बाइक की उसके बाद अभी भी जिंदा है। अब हम पहुँचेंगे और तब भी इतना बड़ा बेशरम है तब भी बच जाएगा ये। अब देखो जरा इतना बड़ा बेशरम भाई, ऐसा बेशरम प्लेयर जो है ना बहुत कम देखे मिलते हैं। अगर आपके स्क्वाड में भी ऐसा कोई बेशरम प्लेयर हो ना तो उसको नीचे जो है मेंशन करो। ये देखो बच गया। तो अब यहाँ पे बचते हैं दो लौंडे, तो हम उनको ढूंढने के लिए फिर बंदर बन के कुलाटी मारते हुए चढ़ते हैं ऊपर, पर यहाँ कोई नहीं होता है। तो हम सोचते हैं जब यहाँ नहीं है सामने नहीं है तो उसका मतलब ये डाउन साइड में होगा, तो यहाँ पे भाई तुम्हारा लालच बुरी भला है, लूटने आता है, ड्रॉप पे थोड़ा बहुत मिल जाता है मटेरियल, लूट के यहाँ से नीचे कूदेगा। अब यहाँ पे कूदा, यहाँ पे आमिर सिद्दीकी बैठे होंगे देखना, ये देखो What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हम क्रिंज टिकटॉकर्स को मार के चिकन डिनर ले लेते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा हमारा ये मैच, अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take care. Stay safe at your home.